यदि आपसे कहें कि लंदन चलते हैं तो सबसे पहले आपको यही लगेगा कि वायुयान से दिल्ली से लंदन जाना होगा। कहने का मतलब है लंदन जाने के लिए वायुयान आपके दिमाग में आएगा। लेकिन यदि हम यह कहें कि लंदन तो आप वायु मार्ग से जा सकते हैं, इससे पहले जलमार्ग से भी जाया जाता था। लेकिन यदि हम कहें कि सड़क मार्ग से भी आप लंदन जा सकते हैं तो आपको थोड़ा आश्चर्य हो सकता है। क्या आपको मालूम है भारत से लंदन जाने वाली बसें चला करती थी? ये बसें कोलकाता से चलती थी और 1974 तक चलती रहीं। अब बसें बंद हो चुकी हैं, लेकिन आप सड़क मार्ग से जा ही सकते हैं। हाल ही में खबर आई थी कि आप मलेशिया भी सड़क मार्ग से जा सकते हैं। जरा सोचिए कोलकाता से लंदन की सड़क मार्ग से दूरी कितनी होगी। कोलकाता से लंदन की दूरी 7,962 किलोमीटर और 120 मीटर के लगभग है, यानी 4,947.4 मील। 1974 से पहले अल्बर्ट टूर इस बस को ऑपरेट करती थी। इसकी सभी बसें लग्जरी थी और सभी तरह के इंतजाम भी थे। रुकने, खाने और घूमने सहित इस बस का किराया 145 पाउंड हुआ करता था। इसके अलावा यदि आप कुछ करते हैं तो उसका अलग से चार्ज लिया जाता था। आप यह भी सोच रहे होंगे कि यह दूरी कितने घंटे में या फिर कितने दिनों में पूरी की जाती थी। 7,962 किलोमीटर की दूरी आमतौर पर देखा जाए तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएंगे तो लगभग 160 घंटे की यात्रा होगी, यानी लगभग एक सप्ताह की यात्रा। लेकिन बीच में विश्राम के लिए भी बस रोकी जाती थी। इसके अलावा बस ऑपरेटर फ्री शॉपिंग डे के लिए रास्ते में भी रोकते थे। दिल्ली, काबुल, तेहरान, इस्तांबुल, सीजबर्ग और वियना के अलावा अन्य जगहों पर शॉपिंग का समय दिया जाता था। वैसे भी रोड का सफ़र ज़्यादातर लोगों को काफ़ी रोमांचक लगता है। इस बस का रास्ता कोलकाता से नई दिल्ली और नई दिल्ली से पाकिस्तान के खैबर पख्तून पास से होते हुए अफगानिस्तान से ईरान, फिर तुर्की से रोमानिया होते हुए ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, फिर जर्मनी और उसके बाद यूनाइटेड किंगडम में लंदन पहुंचता था। 1972 में यह टूर 25 जुलाई से कोलकाता से शुरू होकर 11 सितंबर को लंदन पहुंचकर ख़त्म हुआ था। लगभग 45-46 दिनों का टूर था। तब इस टूर का किराया भारतीय रुपये में 13,517.58 रुपये प्रति व्यक्ति का। आज सड़कों का काफ़ी विकास हो चुका है और हो भी रहा है। लोग लंबी दूरी की यात्रा यानी लॉन्ग ड्राइव पर जाना ज़्यादा पसंद करने लगे हैं और कई देशों की यात्रा भी निजी गाड़ियों से करते हैं।